नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला, लोगों को मूर्ख समझना बंद करें प्रधानमंत्री। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका ने बुधवार को कहा कि पीएम को यह नहीं समझना चाहिए कि लोग मूर्ख है। प्रियंका पीएम मोदी के कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अपने पूर्वांचल यात्रा के अंतिम और तीसरे दिन प्रियंका ने कहा कि पीएम को यह सोचना बंद करना चाहिए कि लोग मूर्ख है, क्योंकि वे चीजों को समझ सकते हैं। प्रियंका आज वाराणसी से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि राजनीतिक वंशवाद के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में प्रियंका ने कहा, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया है। हम सभी जिस व्यवस्था के हिस्सा है उसे भी नुकसान पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मूर्ख है, वे सब कुछ समझते हैं। कांग्रेस महासचिव का प्रधानमंत्री मोदी प्रियंका आज अपनी गंगा यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। यहाँ वह प्रसिद्ध 80 घाट पर केवट समाज के लोगों, युवाओं और महिलाओं से मुखातिब होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। प्रियंका संवाद और मुलाकात के जरिए सीधे जनता से जुड़ना चाहती है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।